तो हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत मस्त होंगे। और आज मेरी आवाज़ आपको लग रही होगी थोड़ी थोड़ी भारी। यार एक्चुअली क्या है कि अभी थोड़ा सा हालत ख़राब है, जुखाम है, खांसी है और सर दर्द हो रहा है और गला दर्द तो बहुत भयंकर हो रहा है, तो इस टाइम बोला नहीं जा रहा है। बट व्लॉग बनाना है, कॉन्सिस्टेंसी बरकरार रखनी है, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। वैसे कल मैं शाम को मेडिसिन ले आया था और भाई अभी आपका नहाया नहीं है क्योंकि आज नहाने का कोई प्लान नहीं है। अगर नहाऊंगा तो कहीं और ज़्यादा तबीयत ना ख़राब हो जाए। आजकल एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि देहरादून की अगर मैं बात करूँ तो देहरादून में बहुत ज़्यादा वायरल फीवर चल रहा है। हर किसी को जुखाम खांसी, तो सभी को मतलब जहाँ भी देख रहा हूँ वही यही हाल है, बुखार वगैरह। तो यार जो भी उत्तराखंड में रह रहे हैं और बाकी हर देश की हर जगह में अपना ध्यान रखिए इस टाइम, क्योंकि इस टाइम सीज़न चेंज हो रहा है तो अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं छत की तरफ। आ गया हूँ मैं छत में और आप देख सकते हो इस टाइम सूर्य देवता अपने फुल जोश में, मतलब काफ़ी ज़्यादा धूप हो रखी है इस टाइम और विटामिन डी तो पूरी फुल फाइनल मिल रही है। और वो आप देख रहे हो सामने, कल वहाँ पे शादी थी तो काफ़ी मतलब सॉन्ग वगैरह बजे वहाँ पे। और ये होटल मैंने अपनी एक दो वीडियोस में और दिखा रखा है। इस होटल की मैं एक बात बताऊं तो बचपन के टाइम पे सब बोलते थे कि ये सुनील शेट्टी का होटल है, बाकी ये कितना सच है कितना क्या है वो तो पता नहीं, बट यही बोलते थे कि वो सुनील शेट्टी का होटल है या फिर सुनील शेट्टी के उसमें शेयर्स लगे हुए हैं, बाकी पता नहीं है कुछ। और अभी देख सकते हो ये पूरा छत का एरिया है। यहाँ पे वैसे क्रिकेट खेलने में बहुत ही मज़ा आएगा, कभी अगर मेरा भाई आएगा फैमिली में से तो फिर हम यहाँ पे पक्का क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि लेंथ वाइज बहुत बढ़िया है मतलब छत ना क्रिकेट खेलने के मामले में। और ये देख रहे हो आप, यहाँ से जो है मेरे मोहल्ले की गली है और वहाँ पे बिल्कुल मतलब गली क्लोज हो जाती है, उसके सामने बाद लग जाता है बिल्कुल छोटा सा खेत और वहाँ पे एक डायरी है। और ये देख सकते हो बिल्कुल बगल में बिल्कुल खाली प्लॉटिंग हो रखी है। मैंने अभी एक चीज़ नोटिस की है यहाँ पे छत में, यहाँ पे ये लग देख सकते हो आप, यहाँ पे प्लगिंग लग रखी है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये प्लगिंग क्यों लग रखी है। शायद रात को कभी पार्टी वार्टी करनी हो छत में तो यहाँ से वो डीजे सिस्टम कनेक्ट हो सकता है। वैसे सही है बट मैंने आज तक कभी देखा नहीं है बहुत, बट मुझे सही बताऊँ तो बहुत सही लगा कि अगर रात के टाइम कभी पार्टी वार्टी बर्थडे वर्थडे सेलिब्रेट करना हो तो यहाँ से हम डीजे वीजे का कनेक्ट करवा सकते हैं। और यहाँ पे देखो कैक्टस वगैरह है, ये भी कैक्टस है, ये थोड़ा सा अलग सा कैक्टस देख रहे होगे आप, ये हरा भरा कैक्टस है थोड़ा। और वहाँ पे भी कैक्टस है, ये भी कैक्टस है और ये कैक्टस काफ़ी बूढ़ा सा लग रहा है मुझे। तो आप देख सकते हो यार, मतलब सुबह का टाइम जो क्या व्यू होता है, अभी ब्लर हो गया था देख रहे हो मस्त लग रहा है, और वो सामने देख रहे हो आप पहाड़। देहरादून की यही अच्छी बात लगती है मुझे कि यार ये चारों तरफ से ना पहाड़ों से घिरा हुआ एक शहर है। और यहाँ के मौसम की भी बहुत बढ़िया चीज़ ये है कि यहाँ पे पल पल में मौसम बदलता रहता है, कभी धूप कभी छाया, मतलब यहाँ पे ये है कि अगर एक दो दिन गर्मी पड़ रही है ना तो मतलब तीसरे दिन तो पक्का फाइनल है कि बारिश पड़नी ही पड़नी है। तो देहरादून मौसम के मामले में बहुत प्यारी सिटी है। और आप देख सकते हो पहाड़, यहाँ भी पहाड़, यहाँ भी पहाड़, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है यार अगर आप एक ऐसी जगह में हो जहाँ पे चारों तरफ पहाड़ है। अगर बंदा कितने भी स्ट्रेस में हो ना, थोड़ा सा बाहर देखेगा तो मूड अपने आप ही फ्रेश हो जाता है इन पहाड़ों को देख के। तो जितनी विटामिन डी लेनी थी वो ले ली है और अब ऑफिस का भी टाइम होने वाला है तो अब चलता हूँ नीचे, रेडी होता हूँ फिर निकलता हूँ ऑफिस के लिए। वैसे आज हालत ठीक नहीं है ज़्यादा, बट कोई नहीं, देखते हैं कि आज कैसा दिन जाता है, समझ नहीं आ रहा। एक पैरासीटामोल लेके ही जाऊँगा अपने साथ। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्टफ पड़ा हुआ है, क्योंकि हर जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन होती है जिस घर में भी, आपको सबको पता होगा कि उस घर में ये स्टफ़ तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको कम से कम 3-4 महीने तक मिलता ही ये स्टफ़ घर में रखा हुआ, जो एक्स्ट्रा में बच जाता है ना। अब चलता हूँ नीचे, रेडी वगैरह होता हूँ तब मिलता हूँ आपसे। दोस्तों हो चुका हूँ मैं रेडी ऑफिस के लिए, बट यार शक्ल में आप देख रहे हो अभी भी 12 बज रखे हैं, शक्ल से रेडी नहीं हूँ। और आप देख सकते हो ये मास्क मैंने मंगाया था 40-50 रुपये के अराउंड, वही पंकज सर से। अगर आप उनको नहीं जानते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में, सॉरी मैं बार बार डिस्क्रिप्शन बोल देता हूँ, तो आई बटन में मैंने उनका व्लॉग डाल दिया है, उनके साथ एक बहुत अच्छा बढ़िया व्लॉग बनाया था तो आप देख लीजिएगा। तो उनसे मंगवाया था ये, और मुझे इस मास्क में सबसे अच्छी बात पता क्या लगी है, सर्दियों के टाइम पे ये नाक भी बचाएगा कान भी बचाएगा, अगर आप चाहो तो इसको सर में पहन सकते हो, हेलमेट के अंदर पहन सकते हो ताकि बाल ख़राब ना हो। मतलब यार 40-50 रुपये में आज के टाइम पे मिल ही क्या रहा है, इतने सारे मल्टीवर्क कर रहा है ये मास्क, तो बहुत सही लगा मुझे। और तो अब निकलते हैं ऑफिस के लिए, लॉक वॉक कर दिया मैंने दरवाज़ा, तो फिर अब कैच करता हूँ थोड़ी देर में गाइज आपको। दोस्तों गली से बाहर निकल चुका हूँ मैं, ये गली है और वहाँ पे मेरा रूम है, आप देख सकते हो पीछे येलो कलर का घर दिख रहा होगा आपको।
और यहाँ पे अभी एक दुविधा में फंस रखा हूँ, मैं दिखाता हूँ अभी आपको क्या है वो दिक्कत। एक्चुअली क्या है कि जो मेन रोड का रास्ता यहाँ से भी जाता है, बट यहाँ से बहुत ईजिली चले जाता है, तो यहाँ पे 3-4 दिन से देख सकते हो आप, वो देख रहे हो वहाँ पे रोड बन रही है जो अभी तक बनी नहीं है। तो मुझे पता है कहाँ से जाना पड़ता है, तो मुझे जाना पड़ता है यहाँ से जो पूरा ऐसे घूम के आना पड़ता है, फिर वहाँ जाना पड़ता है। तो ये बहुत ईजी रास्ता है मेरे लिए, बट यहाँ से क्या है 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं मेरे लिए। और यहाँ पे बैठा है मेरा टफी का दोस्त भोटू, ओए भोटू भोटू, तो यहाँ से हम जा नहीं सकते, तो यहीं से अब रेडी करते हैं अपने सफ़र को। बाय भोटू, बाय भोटू, ये बहुत शांत है यार, बाय। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं एक चौक में, जो ये चौक है ना सामने आप देख रहे हो वहां पे ग्रीन कलर का बोर्ड लगा हुआ है, वो एक चौक है जो मेरे ऑफिस के नियर बाय में है, ठीक है। और इसी चौक के बगल में आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये पार्क, इस पार्क का नाम है गांधी पार्क। तो लॉकडाउन से पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आया करते थे, बट अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत कम लोग होते हैं, बहुत ही मतलब अभी ना के बराबर ही हैं यहाँ पे लोग। तो मॉर्निंग वॉक के टाइम ना बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं अभी भी, बट पहले के मुकाबले बहुत कम ही आते हैं। और 2 अक्टूबर के यहाँ पे ना मतलब गांधी जी की मूर्ति है और काफ़ी फ्रीडम फाइटर्स की मूर्ति है, तो 2 अक्टूबर के टाइम पे यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं। तो मैंने एक ब्लॉग भी बना रखा है, तो मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। और इसी सड़क के बिल्कुल बगल में है परेड ग्राउंड, तो अभी तो ये बिल्कुल कंस्ट्रक्शन के उसमें है, मतलब मोड में है, तो यहाँ पे अभी कुछ ऐसा छोटा नहीं है। वरना यहाँ पे क्या होता है कि पॉलिटिकल रैलीज वगैरह होती हैं और मेले वगैरह होते थे, बहुत ज़्यादा सेल होती थी यहाँ पे। और अगर मैं इस परेड ग्राउंड की बात करूँ इसकी लोकेशन की, तो इसके आगे है सर्वे चौक और यहाँ पे है गांधी पार्क। तो ये सर्वे चौक और गांधी पार्क के बीच में बिल्कुल परेड ग्राउंड है। तो गवर्नमेंट ने जो इसका नक्शा है ना भाई लोगों, बहुत अच्छी तरीके से बना रखा है, तो बहुत बढ़िया बनेगा जब ये पूरा तैयार हो जाएगा, तो इसमें हम एक अलग सा व्लॉग डालेंगे। तो भाई अब मुझे भी लेट हो रही है और मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे काफ़ी लोग अपनी जॉब के लिए जा रहे हैं, भगदड़ मची हुई है इस रोड में, तो हम भी चलते हैं, अप्रॉक्स 9:30 हो ही गए। दोस्तों मैंने अपनी धनों को पार कर लिया और फाइनली हम पहुँच चुके हैं पार्किंग में, तो अब चलते हैं अपनी ऊपर प्राइवेट संस्था की तरफ। और वैसे आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ 5-10 मिनट, तो यहाँ पे कम भीड़ है, वरना यहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा पार्किंग भर जाती है ना, बिल्कुल गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिलती है। बट पता नहीं आज शायद कुछ जादू हो रखा है या लोगों को आज दया रखी है, क्योंकि आज मैं बीमार हूँ। तो अब चलते हैं यार ऊपर की तरफ ऑफिस में, तो देखते हैं फिर आज का दिन कैसा होगा ऑफिस में, अभी कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है। तो कैच यू लेटर गाइस। दोस्तों मैं ऑफिस के बाहर आ रखा हूँ, तो मुझे एक दवाई बोली है सर ने, पता नहीं क्या होती है वो, मतलब लिक्विड जैसा होता है तो रुमाल में डाल के सूंघते हैं तो मुझे पहले लगा कि क्लोरोफॉर्म तो नहीं है पर होती है वो कुछ जुखाम के लिए, नाम याद नहीं आ रहा, अभी कॉल करके पूछ लूँगा सर से। तो चलो मैं तब तक यहाँ पे आसपास का एरिया दिखा देता हूँ आपको कि, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी पार्किंग लगी हुई है, और यहाँ पे PNB बैंक है बगल में इसके, और यहाँ पे 1-2 रेस्टोरेंट वगैरह है। और मेरे ऑफिस का जो रास्ता है वो 2-3 जगह से बनता है, एक ये है पहला रास्ता, एक आगे भी है ऐसी एक आधा गेट और है वहाँ पे पीछे की तरफ वहाँ की तरफ, और यहाँ पे बगल में आप देख सकते हो एक थिएटर भी है। तो ये थिएटर है यहाँ पे लॉकडाउन के बाद अभी खुल रखा है, ये कुछ टाइम पहले ही खुला था। तो अभी यहाँ पे 2 मूवी लग रखी है, किस्मत 2 और मूसा जट। तो अभी हमें यहाँ से टर्न लेना है, और यहाँ पे एक मेडिकल की शॉप है। तो दोस्तों मुझे मिल गई है दवाई, इस दवाई का नाम वैसे इजी ब्रीथ है और इसे कार्बोल भी बोलते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे टोटली मेडिकल का है सारा, हर जगह आपको मेडिकल की शॉप मिल जाएगी। यहाँ इसे मेडिकल वाली गली बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डायग्नोस्टिक सेंटर भी है, दवाइयों की भी दुकान है। तो ऑफिस में किसी को भी दिक्कत होती है तो हम सब यहीं पर आते हैं दवाई दुवी लेने के लिए। तो अब चलता हूँ मैं ऑफिस की तरफ। तो गाइज़ आपको पता तो है कि दवाई तो मैंने खरीद ली है, तो अभी मैं इसको यूट्यूब में देख रहा था कि इसको यूज़ कैसे करना है, तो चलो यूज़ करते हैं। YouTube में वैसे दिखाया था कि इसे मतलब पहले कटिंग करनी होती है, तो पता नहीं इससे तो ये कट नहीं रही है, कैची तो मिली नहीं, ये मिल गया कटर, तो इससे देखता हूँ पहले काट के। भाई तो ये हो गई है, तो अब इसे रुमाल में डाल दिया मैंने, तो अब इसको ऐसे कि डॉक्टर ने बताया था कि ऐसे सुनना है इसको, नाक खुल गया है भाई मतलब काफ़ी सही है यार, मतलब ठीक, थोड़ा सा बिल्कुल नोस्ट्रिल बिल्कुल बंद हो रखी थी एकदम ना, तो इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है गाइस। उस दवाई से काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है मुझे, बट यार अभी क्या है ना पूरे फेस में दर्द हो रहा है, तो मैंने थोड़ा सा जल्दी छुट्टी ले ली है आज,
अब मैं जाता हूँ घर और इस ब्लॉग को करते हैं अभी यहीं पे समाप्त। और हाँ, वो दवाई अगर किसी को चाहिए होगी तो उस दवाई का नाम है इजी ब्रीथ, नोज़ वगैरह जुकाम के लिए बहुत सही दवाई है, तो आप ले सकते हो उसे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, तब तक आप भी अपना ध्यान रखिए और बिल्कुल मतलब कुछ भी लापरवाही मत कीजिएगा, क्योंकि ये सीज़न जो चल रहा है वायरल का चल रहा है। तो बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, बाय। Yeah!